सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किया कैरेंस के कुछ हिडन फीचर्स। बींग अ किया ओनर, मुझे कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में पता है जो जिन्हें एक्टिवेट करने के लिए, जिन्हें एक्सेस करने के लिए काफ़ी अंदर तक जाना पड़ता है। और ये ऐसे कुछ फीचर है जो कुछ आपको डीलरशिप्स में भी पता नहीं चलते या कंपनी भी नहीं बताती है। तो देखेंगे किया कैरेंस के हिडन फीचर्स इस वीडियो में। तो अगर हम बात करें इसके फर्स्ट फीचर की, तो वो है इसके लॉक अनलॉक के साउंड से रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं अभी इस कार को अनलॉक करूँ तो इसका लॉक अनलॉक का साउंड अभी ऑन है। तो अगर इसके की फॉब पे मैं लॉक और अनलॉक के बटन को साथ में कुछ टाइम के लिए प्रेस करके रखूँ तो इसके कुछ इंडिकेटर्स है वो ऐसे ब्लिंक हो गए और अब इसकी जो लॉक अनलॉक के साउंड है ये ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो वो इसके रूफ रेल से रिलेटेड। तो जो इस किया कैरेंस में रूफ रेल्स देखने मिलते हैं, वैसे उस पर एक वार्निंग देखने मिल जाती है डू नॉट लोड की, लेकिन ये जो है एक वर्किंग रूफ रेल्स है और ये 50 केजी तक वेट लोड कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर्स प्रोफाइल के बारे में, यूज़र प्रोफाइल के बारे में। तो जब भी आप कार को स्टार्ट करते हो तो फिर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में एक आपको ऑप्शन आ जाएगा यूज़र प्रोफाइल चूज़ करने का, या फिर आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने जो भी ड्राइवर्स है, सपोज़ अगर मल्टीपल लोग इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं। तो जो भी है आपके प्रोफाइल के साथ में कॉन्टैक्ट्स, प्लेलिस्ट या फिर इसमें जो थीम सेट है वो हमेशा वही थीम के साथ में चालू होगा जो प्रोफाइल आप सेलेक्ट करते हो। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो वो है रीमैपेबल बटन्स। तो आपको दो रीमैपेबल बटन इसमें देखने मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्टार बटन देखने मिलेगा इन्फोटेनमेंट सिस्टम के नीचे और साथ में एक स्टेयरिंग व्हील पे भी देखने मिलेगा। तो अगर आप इसे तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, रीमैप कर सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। तो अगर हम इसे प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो इसमें कुछ हमें ऑप्शन देखने मिल जाते हैं कि ये बटन से क्या हमें करना है, जैसे ब्लूटूथ ऑडियो, होम या फिर किया कनेक्ट, क्वाइट मोड, डिस्प्ले ऑफ। तो अभी जैसे ये डिस्प्ले ऑन ऑफ पर है तो अगर मैं इसके रीमैपेबल बटन पर क्लिक करता हूँ तो इसका डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। वैसे ही इसमें स्टीयरिंग व्हील पे भी एक रिमैपेबल बटन देखने मिलता है और इसे भी हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें कुछ अलग ऑप्शंस भी देखने मिल जाएंगे, जैसे कि कॉल एंड या रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई डेडिकेटेड बटन नहीं देखने मिलता है कॉल एंड या रिजेक्ट करने के लिए। और अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट फीचर की, तो वो है साउंड मूड लाइट्स, जो कि इसके एम्बियंट लाइट्स है। तो अगर हम जाए सेटिंग्स में और व्हीकल में, यहाँ पे लाइट्स में देखने मिलता है एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन। तो किया सेल्टोस में 64 कलर कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइट देखने मिलती है, जो कि अगर हम देखें इधर पे डोर ओपनर के नीचे की तरफ यहाँ पर या फिर यहाँ पर भी हमें इसमें एम्बिएंट लाइट देखने मिल जाती है। कंप्लीट एक रैप अराउंड लाइट्स इसमें देखने मिलती है विथ 64 कस्टमाइजेबल कलर्स। तो अगर हम आए कलर्स में, यहाँ से हम इसका कलर सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसमें। तो जैसे अभी ये ब्लू कलर में है तो इसे हमने यहाँ पे अभी ये वॉयलेट कलर में हो गया है और ये ऑरेंज कलर में। साथ ही में इसमें डिम इन डार्क का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, तो रात के टाइम पे ये लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है। तो अगर आप इसे नाइट ट्रैवल में ड्राइव कर रहे हो तो ये लाइट्स ऑटोमेटिकली डिम भी हो जाएगी। और दो ऐसे फीचर्स है जो मैंने किया सेल्टोस के वीडियो में भी बताए थे। तो एक है स्मार्ट वॉच कंट्रोल्स। तो आप अपने स्मार्ट वॉच से इस कार को कंट्रोल कर सकते हो, इस कार को स्टार्ट कर सकते हो, लॉक अनलॉक और भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है कार की वो हम इसमें स्मार्ट वॉच में ही देख सकते हैं। और साथ ही में दूसरा एक फीचर था, वो था IRVM का। तो जैसे कि इसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक या फिर ऑटो डिमिंग IRVM देखने मिलता है, जो कि अगर बैक साइड से कोई कार अगर आती है या कोई भी गाड़ी आती है और उसकी लाइट इस पर पड़ती है तो ये फिर आपके फेस पर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। उसी के साथ में जब भी आप इसका रिवर्स गियर इंगेज करते हो तो ये और ब्राइटन अप हो जाती है आपको और एक अच्छा व्यू देने के लिए। नेक्स्ट फीचर जो है वो है इसके AC से रिलेटेड। तो इसमें जैसे कि अभी सेल्सियस में टेम्परेचर शो हो रहा है, इसे हम चेंज कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में, इंफोटेनमेंट सिस्टम में, सेटिंग्स में बहुत अंदर जाके, या फिर इसका दूसरा एक शॉर्टकट है ऑफ़ और ऑटोमेटिक के बटन को अगर हम साथ में प्रेस करेंगे कुछ टाइम तक, अगर हम इसे प्रेस करके रखें तो
तो ये फ़ारेनहाइट में चेंज होती है। वैसे ही अगर हम फिर से इसे ऑफ़ और ऑटोमेटिक का बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये फ़ारेनहाइट से वापस सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर जो है वो इसके विंडोज़ और इसके सनरूफ से रिलेटेड। तो जैसे कि इसमें ड्राइवर साइड ऑटोमेटिक वन टच डाउन और वन टच अप ऑटोमेटिक विंडोज़ आती है, तो ये भी एक एंटी पिंच फीचर के साथ में आती है। तो जैसे कि अगर कभी इसमें मेरा हाथ आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। और साथ ही में ये जो सनरूफ है ये भी एंटी पिंच फीचर के साथ में आता है, जिसका मैंने डेमो किया था किया सेल्टॉस के साथ। नेक्स्ट फीचर जो है वो है इसका ब्लू लाइट फिल्टर। तो अगर हम आते हैं इसके सेटिंग में और डिस्प्ले में, तो यहाँ पे हमें देखने मिल जाएगा ब्लू लाइट का ऑप्शन। तो जो ब्लू लाइट फिल्टर है इसे अगर हम ऑन कर दें तो इसकी स्क्रीन से जो भी ब्लू लाइट इमिट होती है वो उसे ऑफ़ कर देगा, जिसके वजह से आपकी आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता और अगर आप ज़्यादा ड्राइव कर रहे हो तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और नेक्स्ट फीचर जो है वो एक सेफ्टी से रिलेटेड फीचर है। तो अगर हम आते हैं इसके डिस्प्ले में और यहाँ पर देखने मिलेगा कैमरा सेटिंग्स, तो यहाँ पे देखने मिलता है एक्सटेंडेड रियर कैमरा यूज़। तो जैसे ही अगर हम कभी रिवर्स गियर इंगेज करते हैं और इसका रिवर्स कैमरा ऑन होता है, तो जब हम इसके रिवर्स गियर से हटाकर जब हम ड्राइव करते हैं तो भी एक लिमिटेड स्पीड तक इसका जो रियर कैमरा है वो ऑन रहता है, जो कि आपकी सेफ्टी को और बढ़ा देता है। नेक्स्ट फीचर जो है वो है इसके वेंटिलेटेड कप होल्डर्स। किया गैरेंस में यहाँ पे दो कप होल्डर्स देखने मिलते हैं जो वेंटिलेटेड फीचर के साथ में आते हैं। तो यहाँ से हम इसकी वेंटिलेशन को ऑफ़ या ऑन कर सकते हैं और इस तरफ इसमें कुछ वेंट्स देखने मिल जाएंगे, एसी वेंट्स। तो ये वेंटिलेशन के थ्रू उसका टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है। साथ ही में जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ कैन होल्डर्स देखने मिल जाते हैं विथ वेंटिलेटेड फीचर। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो वो है इसके रियर एसी वेंट्स। तो सेकंड रो में और थर्ड रो में टॉप माउंटेड एसी वेंट्स देखने मिल जाते हैं और ये भी काफ़ी एक स्मार्ट फीचर के साथ में आते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि जो एसी की हवा है ये डायरेक्ट आपके फेस पे ना आए तो आप इसे बस यहाँ से बंद कर दो और इसे क्लोज कर दो, तो ये जो इसकी रिंग है साइड से यहाँ से ये हवा बाहर आती है, जो कि काफ़ी एक स्मार्ट फीचर है। और इसी के साथ में इसमें बहुत सारे स्मार्ट स्टोरेज स्पेसेस देखने मिल जाते हैं, जैसे कि जो ड्राइवर और को ड्राइवर साइड की डोर्स है, तो यहाँ डोर पॉकेट में देखने मिल जाते हैं तीन बॉटल होल्डर्स और साथ में एक अम्ब्रेला होल्डर भी इसमें देखने मिल जाता है। और इस तरफ यहाँ पे कुछ कॉइन्स वगैरह के लिए स्पेस देखने मिल जाता है। वहीं पर यहाँ पर अगर हम देखें सेंटर कंसोल की तरफ, यहाँ पर फ़ोन के लिए स्पेस मिल जाता है विथ वायरलेस चार्जिंग एंड वेंटिलेशन। आर्म रेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें एक ट्रे मिल जाती है और काफ़ी डीप स्टोरेज के साथ में ये देखने मिलता है। और अगर हम देखें को पैसेंजर साइड में, तो को पैसेंजर सीट के नीचे भी इस तरफ एक ट्रे देखने मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी स्मार्टली प्लेस्ड है। और इस तरफ देखने मिलता है एयर प्योरीफायर होल्डर, जो कि एक आपको डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है आपका एयर प्योरीफायर माउंट करने के लिए। और उसी के साथ में को ड्राइवर साइड में देखने मिलता है एक कप होल्डर। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो किया कैरेंस या किया की कोई भी कार परचेस करने का, तो आप आ सकते हो पीपाड़ा मोटर्स अहमदनगर में और यहाँ पे आके आप इन कार्स की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। तो ये थे किया के कुछ ऐसे फीचर्स जो बहुत ही कम लोगों को पता रहते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो अभी आपको भी पता है, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।